नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ, मैं पंकज यादव। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन के, जहां पर चैत्र नवरात्रि का दिन है और आज स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस देवी की कृपा से व्यक्ति को कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। इस बार स्कंद माता की पूजा शोभन योग में होगी। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि इस दौरान अगर बात करें तो आज जो पांचवा दिन है चैत्र नवरात्रि का, और आज स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पाप मिटते हैं, और साथ ही जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस देवी की कृपा से व्यक्ति को कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है और इस बार स्कंद माता की पूजा शोभन योग में होगी। तो चैत्र नवरात्रि का आज पांचवा दिन है और बात करें तो आज स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और आगरा से हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आगरा की अगर बात करें तो आज पांचवा व्रत है स्कंद माता का, आज व्रत मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आगरा की बात करें तो आगरा में नवरात्रि की 9 दिन पूरे सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिलती है। लगातार हम दर्शकों को आगरा के तमाम मंदिरों से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये भी साझा कर रहे हैं कि आगरा के तमाम मंदिरों की स्थिति, भक्तों की लगातार एक एक करके भक्तजन पहुंचते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। आगरा के तमाम मंदिर ऐसे हैं, उनकी प्राचीन इतिहास रहे हैं, चाहे आगरा की चामुंडा देवी की बात करें, प्राचीन राजेश्वर मंदिर की बात करें, चाहे बल्केश्वर मंदिर की बात करें, तमाम ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जो जिनका प्राचीन इतिहास रहा है। लोग वहां पर अपने अपने वहां पर पहुंचते हैं और भक्तजन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 तारीख से 17 तारीख तक इस बार नवरात्रि का शुभारंभ है, तो सभी भक्तजन अपने सच्चे मन से सच्चे भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे आगरा का ये मंदिर है, जिस तरह से यहाँ पर मंदिरों में लोग एक एक करके पूजा अर्चना करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं जैसे पुजारी जी भी अपने सुबह का वक्त है और जिस तरह से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। आगरा के तमाम मंदिरों की बात करें तो आगरा में इसी प्रकार से हालात है, आगरा के मंदिरों में बिल्कुल प्रत्येक भक्तजन अपने अपने सच्चे मन से यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और एक एक करके यहाँ पर तमाम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर घंटों की बिल्कुल धूल सुनाई देती है, माता रानी के जयकारे नजर आते हैं। तो निश्चित तौर से सच्चे और मन से जो भी भक्त मनोकामना करने के लिए पूछता है तो बताया जाता है कि माता रानी उनके जो मन की भाव है उन्हें बिल्कुल पूरा करती है, तो उसी श्रद्धा भाव के साथ भक्तजन अपने अपने मनोकामना करने के लिए वहां पर भक्तजन पहुंचते हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, वापस लौटती हूँ और गोरखपुर से हरेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, किस तरीके की रौनक नजर आ रही है मंदिरों में, क्योंकि नवरात्रि का समय है और ऐसे में पांचवा व्रत, और बड़ी ही मान्यता है कि ये जो पांचवा व्रत है इसमें संतान की प्राप्ति होती है ये व्रत रखने से। क्या हम अपने भक्तों को बताना चाहेंगे कि इस समय गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर करजहां देवी स्थान पर है यह भव्य मंदिर है, यह प्राचीन मंदिर है। खासतौर से आज चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी माँ के मंदिर में माँ के भक्तों की पूजा आराधना करके सभी देवी मंदिरों में देखे जा रहे हैं। खासतौर से अगर गोरखपुर की आपने बात की तो गोरखपुर में या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्तई 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 नमो नमः, इस मंत्र के साथ स्कंद माता की पूजा आराधना करते लोग नजर आ रहे हैं। मंदिर के अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि कई ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, जो महिलाएं कलश हाथ में लेकर के धार लेकर के खासतौर से माता रानी की पूजा आराधना करने के लिए आज महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है। खासतौर से 9 दिन माँ की इसी तरह से पूजा आराधना इस मंदिर में लोग करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्रि ये चैत्र नवरात्रि में खासतौर से लोग पूजा आराधना बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में
माँ कालिका को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवियों को प्रसन्न करने के लिए, जो शहर की भगवती होती है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, शहर में महानगर में तो नहीं लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी देखा जाता है कि नीम के पत्ते को, अड़हुल के फूल को एक लोटे में जल लेकर के गांव के बाहर जो कालिका का स्थान होता है वहां लोग जाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। हमारे साथ यहाँ के महंत मौजूद है, महंत जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन की क्या है महिमा और किस तरह से पूजा आराधना लोग माता स्कंद की करते नजर आ रहे हैं, किस तरह से लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद श्राद्धे शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते स्कंद माताए नमो नमः। जय माता दी नमो नमः। आज चैत्र राम नवमी के नवरात्र में पंचम दिन स्कंद माता के दिन यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और हम लोगों के यहाँ बहुत 100 सालों से 200 सालों से मान्यता है कि गांव के बाहर जितने भी गांव के होती है माताएं और बहने आकर के हमारी करजई माता मंदिर में लोग धार और अड़हुल का फूल और धार लेकर के धार देते हैं जिससे चेचक का प्रकोप कम हो जाए। आए ना इस गांव में चेचक के प्रकोप को लेकर के खासतौर से इस समय आप देखते हैं शंख भी, महाराज जी शंख बजाएंगे क्या? थोड़ा बजाइए शंख और घंटा घड़ियाल के साथ लोग माँ की पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। अरे महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं क्या मंशा क्या इच्छा लेकर के माँ के मंदिर में आई है, क्या इच्छा लेकर के माँ के मंदिर में पहुंची हुई है, क्या है माँ के मंदिर में क्या लेकर के पहुंची है आज? मैं रक्षाबंधन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। हाथ में क्या क्या ली है? हर साल 9 दिन करती है, 9 दिन कढ़ाई चढ़ाती। अच्छा, नवमी के दिन पर माँ को कढ़ाई चढ़ाने का जो पूरी हलवा चना चढ़ाने के लिए तो पुरानी परंपरा है, माँ को खुश करने के लिए खास तौर से नवमी के दिन यहाँ पर लोग 9 दिनों तक धार चढ़ाते हैं। धार चढ़ाने के बाद 9वें दिन यहाँ भंडारे का आयोजन और पूरी सब्जी चढ़ाने का जो आयोजन होता है उसमें लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। खासतौर से चैत्र नवरात्रि में मनमोहक दृश्य होता है क्योंकि 9 वर्ष का शुभारंभ होता है और 9 वर्ष के शुभारंभ में जो माँ को भोग लगते हैं वो नए अन्न के रूप में किसानों के खेत में इस समय फसल कटाई हो रही है और उसी की जो है कि ये लोग पूरी हलवा चढ़ाने का काम करते हैं और माँ को प्रसन्न करने का काम करते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, वापस लौटती हूँ स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्कंदिता, लखनऊ में किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में एक भव्यता ही नजर आ रही है। स्कंदिता आवाज मिल पा रही है? स्कंदिता मेरी आवाज मिल पा रही है? आज पांचवा दिन है, पांचवा दिन बाद स्कंद माता का रूप माना जाता है, विष्णु माता की पास की पूजा की जाती है। धारण करने के लिए माता जो है बेहद खास मानी जाती है क्योंकि स्कंद माता को पूरे तरह के कपड़े की चीजें बहुत पसंद है। हम लोग आपकी चौदह रोज से प्राप्त होते हैं। आज का दिन बेहद खास है, नवरात्रि पूरा का पूरा बहुत खास है, लोग भगवान के दर्शन करने के लिए देख रहे हैं। उपवास वगैरह किया है मनोकामना जाती है क्योंकि स्कंद माता को श्वेत रंग के कपड़े श्वेत रंग की चीजें बहुत पसंद है। मतलब तमाम लोग भक्त मौजूद है उनसे भी बात कर लेते हैं। आज का दिन बेहद खास है, नवरात्रि पूरा का पूरा बहुत खास है, लोग भगवान यहाँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी। उपवास वगैरह किया है जी? क्या सोच क्या है, क्या मनोकामना आज माता से मांगेंगे? कि जो हम करते वो मेरे साथ अच्छा हो, जो जो करूँ उसके आगे भी अच्छा होना चाहिए। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे भी जान लेते हैं कितना उत्साह है। सुबह सुबह माता रानी के दर्शन करने आए हैं जी? हम दर्शन करने आए हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे दर्शन करने, काम का टाइम ही नहीं मिलता दर्शन करने के लिए, तभी बहुत उनके बाद टाइम लिया है दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा दर्शन करने। कैसा लग रही है आज माता रानी, क्या सोच रहे, क्या मनोकामना लेके आए जी? बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, हमने दर्शन किए तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। मनोकामना सोच के आए हैं कि कहते हैं स्कंद माता जो है वो पूरी जगत को अपने पुत्र के रूप में स्नेह करती हैं और पूरे पुत्र के रूप में पूरे जगत में स्नेह लुटाती हैं।
दे दिया आपके बहुत। देख सकते हैं तमाम लोग जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो बेहद खास है, क्योंकि पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन माना जाता है, जिसमें उनको श्वेत रंग के वस्त्र बहुत पसंद होते हैं। अगर भोग की बात की जाए तो केले का प्रसाद जो है वो माता को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा लोग जो है वो उपासना करते हैं पूरे आस्था के साथ में, क्योंकि कहा जाता है अगर माता के पांचवें स्वरूप की पूजा की जाए तो नकारात्मा दूर होती है, और अगर सकारात्मक शक्तियों की बात की जाए तो सकारात्मक शक्तियों का विस्तार होता है। उसी को लेकर सभी नौ के नौ दिन जो है मंदिरों में भीड़ देखने को मिलती है भगवान माता के दर्शन करने के लिए। सभी भक्त जो है मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, फिर तो माता के दर्शन करा देते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता का आज का श्रृंगार किया हुआ है और कितनी सुंदर माता रानी लग रही है। इस वक्त हम आपको बता दें तो ये लखनऊ का हनुमान धाम मंदिर है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पर भक्त जो है वो लगातार आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। और दिल्ली कालका जी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, कालका जी जो मंदिर है एक अलग ही उस मंदिर का महत्व है, और ऐसे में नवरात्र में जब जाते कहते हैं इस मंदिर में कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता, हर एक की मुराद पूरी होती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम मंदिरों में भीड़ लगी हुई है भक्तों की, और इस वक्त मैं चूंकि झंडेवालान मंदिर में मौजूद हूं तो आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि झंडेवालान मंदिर में तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहां पे पहुंच रहे हैं और माता की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे तमाम जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं, और सुबह से ही इन भक्तों की, इन श्रद्धालुओं की जो कतारें हैं वो यहाँ पे लगी हुई है। और आज चूंकि पांचवा दिन है और पांचवा दिन भी पहले दिन की तरह ही यहाँ पर भीड़ जो है वो भक्तों की देखने को मिली, और तमाम जो लोग वो सुबह से यानी कि करीब 4 से 5 बजे से ही यहाँ पर कतार अर्चना करते हैं। सेवा में लोग लगे हैं वो बाकायदा लोगों को यहाँ पे टीका लगा रहे हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं जो सेवा में लगी हुई हैं में लगे हुए हैं। और झंडेवालान मंदिर की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से की गई हैं कि यहाँ पे किसी को भी अव्यवस्था ना झेलनी पड़े, यानी कि किसी को, किसी भी भक्त को परेशानी ना हो। दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा है, और हम चित्रें सारे बोलो नोएडा से आए, नोएडा से आए हाँ। दिनात आज पहली बार आए, 9 दिन के व्रत रखे, माता ने इतनी शक्ति दिया, आज अपने दरबार पे बुलावा हमारा आया हुआ है। मैं है झंडे वाली माता की बहुत मान्यता है, माता से विनती की, पहली बार प्रोग्राम बन गया, पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माता के दरबार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जय माता दी के कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं, चाहे नोएडा से बात करें, दिल्ली से बात करें, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना मांगता है, उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो निश्चित रूप झंडेवालान कालका जी मंदिर की बात करें, इसके साथ दिल्ली के तमाम मंदिर पर भीड़ देखने को। बिल्कुल पीयूष, वापस लौटती हूँ। और हरेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि आप मंदिर में मौजूद है और मैं जरूर चाहूंगी कि आज जो व्रत है स्कंद माता का, उनके महत्व के बारे में अगर वहां पर महंत है उनसे जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। महंत जी से बात करेंगे, महंत जी को हम महंत जी के पास स्वतः चल रहे हैं और महंत जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आज जिस तरह से स्कंद माता की पूजा आराधना हो रही है क्या महत्व आज का है। पुजारी जी, आज का महत्व क्या है स्कंद माता की पूजा आराधना? सभी लोगों को कल्याण मंगल करने वाली है, और जो भी इनका सच्चे वस्ते भक्ति पूजा पाठ स्कंद माता का करता है उनका कल्याण निश्चित ही हो जाता है, ऐसा हमारे दुर्गा सरस्वती पाठ और वेद पुराणों में कहा गया है। खासतौर से आज की पूजा करने का विधि क्या है? आज की पूजा करने का विधि है, ये माता को जो पूरी और हलवा भी चढ़ाते हैं और 5 सुपारी का भोग लगाते हैं, 5 सुपारी का भोग लगाते हैं। और खासतौर से स्कंद माता का जो आज का रूप है वह रूप बहुत ही मनमोहक है। और दूसरी चीज है कि आज माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग अड़हुल के फूल को लेकर के, नीम के पत्ते को लेकर के, खासतौर से मंदिरों में और माता रानी के दरबार में
लोग हाजिरी लगाते हैं और माता रानी को दहार के रूप में जल चढ़ाने का काम करते हैं। और आज के दिन खास तौर से नवरात्रि का पंचमी अपने आप में बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि नौ रूपों की पूजा माता रानी की जाती है और एक एक रूप का अगर वर्णन किया जाए तो वह समय कम पड़ेगा। बसरते आपको बता दें कि नौ रूपों की पूजा करने में कहीं कोई माँ के भक्त और कसर नहीं छोड़ते और माँ की तन मन धन के साथ पूजा आराधना करते नजर आते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, वापस लौटूंगी। कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर आगरा की बात करें तो मंदिरों में किस तरीके का बाकी मंदिरों में नजारा है, क्योंकि कहते हैं कि कन्या पूजन से लेकर माता को पूरी तरीके से प्रसन्न करने के लिए हर एक पूजा अर्चना इस दौरान की जा रही है, और माता को लेकर अगर बात करें तो जगह जगह पर चौकियां भी इस दौरान लगाई गई है। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं आगरा में तमाम मंदिर हैं जहां पर बिल्कुल मंदिरों में पूरी तरह से सजावट की बात करें चाहे अन्य सुविधाओं की बात करें पूरी तरह से बिल्कुल नजारा अलग दिखाई देता है। आगरा के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और इस दिन तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर अपने अपने घरों के आसपास तरह से जैसे घरों में चौकियां लगाते हैं तमाम तरह से पूजन करते हैं, तो तमाम तरह से भक्तजन अपने माता को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं। यहां इस समय मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। इसका माता का आज पांचवा दिन है, सर क्या कहना चाहेंगे और आज के दिन का क्या विशेष महत्व? जी आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, नाम से जानी जाती है और जो भी भक्त इनकी पूजा सेवा करते हैं अपने जिस भी भाव से करते हैं सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण। नौ दिन जैसे व्रत रहते हैं, भक्तजन पहुंचते हैं यहाँ किस प्रकार की भक्त जैसे श्रद्धा भाव से पहुंचते हैं? श्रद्धा भाव से आते हैं, सुबह से आना शुरू हो जाता है और दोपहर 12-1 बजे तक मतलब को आने जाने लगातार आते रहते हैं। छोटे बच्चे जो भी मतलब देखते हैं जिसके सामने सब लोग आते हैं भाव से। तो बिल्कुल पंकज, जिस प्रकार जो पुजारी जी हैं उनका कहना है कि जिस तरह से जो नौ दिन रहते हैं इसी तरह से जैसे भक्तजन यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं बस अच्छे भाव से मन से पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और बताया जाता है कि जो भी भक्त जैसे मन से पूजा अर्चना करता है निश्चित तौर से माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। तो आगरा के तमाम मंदिरों की स्थिति यही इसी प्रकार है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है मंदिरों में और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था की गई है जिससे कि कोई भी भक्तजन को कोई भी समस्या ना हो। इसके चलते क्योंकि तमाम मंदिर ऐसे हैं जहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, कई महिलाएं पहुंचती है, तो तमाम मंदिरों की व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी जैसे 9 दिनों से आने से पहले ही पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था करके वहाँ पूरी तरह से तैयारी करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल कृष्णा, वापस लौटती हूँ। लखनऊ से स्कंदिता हमारे साथ में जुड़ी हुई है। स्कंदिता, लखनऊ की अगर बात करें तो वहां के मंदिरों में किस तरीके से, क्योंकि अगर व्यवस्था की बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है और आज के जो दिन है जो ये नवरात्रे चलते हैं इसमें विशेष महत्व होता है माता रानी को मनाने के लिए और बड़े स्तर पर पूजा अर्चना पूजन करके माता की स्थापना कर माता का ध्यान लगाते हैं। 9 दिन माता को अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो लखनऊ में जितने बड़े मंदिर है वहाँ पर पूरा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे या फिर अगर पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो उनको भी लगाया गया है जिससे जो मंदिर माता की चौकी सजाकर कलश स्थापना कर माता का ध्यान लगाते हैं, 9 दिन माता को अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भीड़ देखने को मिल सकती है, पीछे देख सकते हैं आप लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं, कितनी आस्था है माता? बहुत उत्साहित है, बहुत आस्था है। जय माता की, जय माता की। देख सकते हैं और भी तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। भैया कितनी आस्था है, आज सुबह सुबह आप दर्शन करने आए हैं माता? बस आज मैं वैसे दिल्ली से हूँ बट बेसिकली यहाँ पे मेरा आया था, मैं परिवार में, तो आज मौका मिला दर्शन करने का, बहुत अच्छा लगा। और चुनावी माहौल चल रहा है आपको पता ही है इस समय, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, मतलब एक चुनावी माहौल के साथ साथ यहाँ पे एक एक्साइटमेंट भी हो रही है देख के। हनुमान धाम बहुत पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के यहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर। दिल्ली में तो बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे पहली बार मौका मिल रहा है देखने का, तो सुकून से दर्शन कर रहे हैं, अच्छे दर्शन मिल रहा है, एकदम शांति है, मेडिटेशन कर रहे हैं लोग देख के, बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में तो ऐसा है। क्योंकि आज आप अपने बता रहे किसी गेस्ट के साथ आए हुए, तो क्या मनोकामना आज माता के समीप लेकर आए हैं? बस यही है कि अब की बार अच्छा कुछ देश में अच्छा होगा और आगे 5 साल जो आएंगे और देश के लिए अच्छे रहेंगे, जिसको सभी को इसका फायदा मिलेगा।
और भी दबाव लोगे। भैया क्या भोग लेके आए हैं माता को चढ़ाने? मैं हनुमान धाम में नियमित सवा साल से हर शनिवार को आता हूँ। एकाध शनिवार भले किसी कारण में ना पाया, लेकिन लखनऊ में रहता आता हूँ बराबर। और जब से मुझे मंदिर के बारे में जानकारी हुई, यहाँ हनुमान जी की 125,000 प्रतिमाएं हैं और माता जी का भी बहुत बढ़िया मूर्ति है, सब बातें हैं। तो मेरा मन ऐसा लगा, मैं हर शनिवार को यहाँ आता हूँ। मैं अपने परिवार सुख शांति की कामना चाहता हूँ बस। तो देख सकते हैं कि तमाम भक्त जो है वो यहाँ पर जब मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो भावुक हो जाते हैं। लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और अगर आज की बात की जाए, यानी कि माता के पांचवें स्वरूप की बात की जाए, तो स्कंद माता का दिन है जो कि अपने आप में बेहद खास माना जाता है, जिसमें स्कंद माता को श्वेत रंग के वस्त्र बड़े प्रिय है। अगर भोग की बात की जाए तो उनको केले का जो है भोग लगाया जाता है। और सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने जितनी शक्ति होती है उससे ज्यादा माता को प्रसन्न। दिल्ली से पीयूष तिवारी साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिल्ली के मंदिरों की बात करें, क्योंकि झंडेवाला मंदिर में आप खुद मौजूद हैं और एक काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है सुबह सुबह से ही, तो ऐसे में अगर बात करें व्यवस्था की, किस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर में? बिल्कुल, व्यवस्था आमतौर पे हमेशा ही बढ़िया रहती है और आज भी व्यवस्था बढ़िया है। और आपको पहले दर्शन करा देते हैं, यहाँ पे माता जी की मूर्ति आप देख रही हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं, बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, महिलाएं काफी संख्या में पहुंची हुई हैं। और इसके इतर आपको दिखाएं कि यहाँ पे पास में ही भजन हो रहा है, यानी कि माता जी का जो भजन है वो हो रहा है। इसके साथ ही करीब दो जो कतारें हैं भक्तों की, वो यहाँ पे लगाई गई हैं। और इन दोनों कतारों की दूरी की बात करें तो करीब 500 से लेकर 1 किलोमीटर तक की ये कतारें हैं। और आमतौर पे जब से नवरात्र शुरू हुआ, चूँकि मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र जब से शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में यहाँ मिल रही है भक्तों की। आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो मंदिर है उसको सजाया गया है और पूरी तरीके से ये कोशिश की गई है कि जो भी भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और कहीं ना कहीं जो भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं उन्हें प्रसाद भी दिया जाता है। और कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उन वो जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और क्योंकि चैत्र नवरात्र का ये 9 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सनातन धर्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो, और कहीं ना कहीं जो आस्था है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है, लोग यहाँ पे पूजा। बिल्कुल, और एक अच्छी व्यवस्था और मंदिरों में खास करके अब जो नवरात्र की अगर बात करें तो काफी भीड़ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाता मेरे साथ में जुड़े तमाम जानकारी साझा करने के लिए।